अस्सलामुअलैकुम। नादरा में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सूबे से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी तालीम है, अगर आपने इंटरमीडिएट पास हैं तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आप ही के शहर, आप ही के डिस्ट्रिक्ट, आप ही के डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, आपने किस तारीख़ पर जाना है टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। जैसे कि रिसेंटली ही नादरा में बहुत ज़्यादा जॉब्स की ओपनिंग हो चुकी है, ये मैंने आप सब के लिए इनकी वेबसाइट ऑफिशियल ओपन की हुई है, आप सब देख सकते हैं कि स्क्रीन पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पर ये वाली आएंगे नादरा करियर्स पर, जब मैं आपको जैसे आप लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है वॉक इन टेस्ट इंटरव्यू फॉर द पोजिशन ऑफ अ जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है नादरा हेडक्वार्टर की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई, जो एज है वो 25 साल आपकी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी HSC मतलब हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है। ओपनिंग जॉब्स की जो हुई है वो हुई 18 फरवरी 2024 को, जो लास्ट डेट है आपने अप्लाई करने की वो है 3 मार्च 2024। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी जो कि इनकी ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है। यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं कि मिनिमम जो आपकी तालीम वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, ठीक, और आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी वेल एंड गुड है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसे कर लेता हूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 एडवर्टाइजमेंट हमारे पास ओपन है। इन 6 एडवर्टाइजमेंट को अभी मैं आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताता हूँ कि कौन कौन सी पोजीशन से, कौन कौन से शहर में, और आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करके, और इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिंपल पेपर भी है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाली एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए ओपन की हुई है, ये रही है हमारे पास, अगर मैं इसे जूम कर लूँ, ठीक है, सब एडवर्टाइजमेंट सेम ही है, बस जो तहसील है वो सिर्फ चेंज है, पोजिशन सबकी सेम है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा वॉक इन टेस्ट और इंटरव्यू। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ भी आप देख रहे वॉक इन टेस्ट और इंटरव्यू, इसका मतलब ये है कि आपको जो तारीख असाइन दी हुई है आपने उस तारीख पर अपनी तहसील के हिसाब से उस लोकेशन पर जाके, आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई वगैरह नहीं करना होता, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने उस तारीख पर चले जाना है उस लोकेशन पर जहाँ पर आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी मैं आपको मज़ीद और अच्छे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देख ले जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जॉब है, मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 25 साल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, और ये आ रही है तहसील पसूरा सियालकोट डस्का नवाला, ये हमारे पास मुजफ्फराबाद गुजरावाला कम्बी नेशोरो ये वजीरिस्तान, ये हमारे पास फिरोजवाला शाखपुरी, मतलब सारे हमारे पास तहसील आ रही है, कोसार वगैरह देख सकते हैं, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी, रामडी और लाहौर मॉडल टाउन, ठीक है। यहाँ पर इन सब ने इनकी वैकेंसीज भी बताई हुई, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है हर एक की, मतलब मल्टीपल पोस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ लाहौर मॉडल टाउन की अगर आप देख लें तो 37 हैं। इसके लिए फिर अगर हम यहाँ पे आ जाए तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप सियालकोट की से हैं तो आपने अप्लाई करना, नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, आपने टेस्ट डेट और इस पे चले जाना है 25 फरवरी 2024 को, तवार वाले दिन 8:30 से लेकर 12 बजे के दरमियान आपका टेस्ट होगा। कौन सी जगह होगा, नादरा ऑफिस डिफेंस रोड नियर जेम्सन होटल सियालकोट में आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जब आप सक्सेसफुली हो जाएंगे क्लियर, देन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जब होगा आपका वो 27 या 28 को होगा, फरवरी को 2024 की ट्यूसडे एंड वेनसडे वाले दिन 9 बजे, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 73 ट्रेड सेंटर MA जौहर टाउन नादरा कॉम्प्लेक्स लाहौर में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अपनी स्पेसिफिक डेट्स वगैरह देख लेनी है जो भी आपकी होंगी, जिस डेट पे आपका टेस्ट होगा आपकी तहसील के हिसाब से आपने अच्छे तरीके से इसे रीड कर लेनी है एडवर्टाइजमेंट को। टर्म एंड कंडीशन की तरफ आजन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, अभी मैं 1 बाय 1 आपको सबकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताऊँगा, मगर इन सब में 3 चीज़ें कॉमन है, एक जॉब पोजीशन, आपकी इंटरमीडिएट और सैलरी, और टर्म एंड कंडीशन से तीनों के लिए सेम है, ठीक है। आपने इस चीज़ को लाजमी अवेयर करना है। टर्म एंड कंडीशन की बात की जाए तो मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आप सबके लिए, रेजिडेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव तहसील्स एज पर द CNIC डोमिसाइल विल बी अलाउड फॉर ओनली लोकेशन ओनली। इसका मतलब ये है कि जो आपकी तहसील के हिसाब से जो टेस्ट और डेट की आपको तारीख इशू हुई है सामने,
जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर मॉडल टाउन पर है तो आपने 28 को ही जाना है टेस्ट के लिए 73 ट्रेड सेंटर में। इसके अलावा आपने किसी और तारीख पर नहीं चले जाना, इसका ये मतलब है, ठीक है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट बी ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे होने चाहिए, पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट आफ्टर दिस शेल बी, जो कैंडिडेट्स टेस्ट क्लियर कर लेंगे सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शेल बी प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस एंड द करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास लास्ट में होना चाहिए। अपॉइंटमेंट इज बींग मेड अगेंस्ट ऑफ द स्पेसिफिक, या ये आप छोड़ दें, मतलब आपको आपकी वो तहसील में होगी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाएगी। एज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी इन्होंने कहा कि आपको ऐड कर दी गई है, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपके लिए कोई फीस वगैरह ये नहीं लेंगे। मेल, फीमेल, माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स एंड द डिसेबल एबल कैंडिडेट्स आर इंकरेज टू अप्लाई, ठीक है। ये मल्टीपल जॉब्स है, सारे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मजदूर हैं या अगर आपको कोई भी अल्लाह ना करे कोई बीमारी वगैरह तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको इनका सिंपल पेपर कहाँ से मिलेगा अभी मैं भी वो भी इंशाल्लाह आपको अगेन ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शेल एथर कन्फ्यूज एंड द इंटेंट एंड द परमानेंट, ये आपने इसको छोड़ दें, ये इनका नादरा की एक एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है। ये आपने सब टर्म एंड कंडीशन सबकी सेम ही है, ठीक है। देखिए हमारी जो भी वीडियोस होती है ना तो उसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आपने वो अप्लाई वगैरह भी करना होता है, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी करके, और हम आपको एडवर्टाइजमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी बता रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट का बल्कि हम आपको कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट बताते हैं पढ़ के, ताकि जब आप खुद से भी गो थ्रू करें तो आप सबको कोई इतनी परेशानी ना हो, ठीक है। हमारे पास जैसे ये इनकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन की थी, जैसे ही आप ये पीडीएफ सेकंड ओपन करेंगे ना तो हमारे पास ये फर्स्ट है ये सेकंड, ठीक है। मैंने रैंडमली ओपन की हुई है तो इसलिए मुझे सीक्वेंस याद है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारे पास जो आ रही है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जॉब है। ये देख सकते हैं कि ये मुल्तान, ये लह फतेहपुर, शिकवाला, ये चकवाल, ये सारी मियाँ चुन्ना, अहमदपुर ईस्ट, भावलपुर, चेदिस्तान, फुरब्बास, हुनराबाद, ये सारी, मतलब आपने इस तरीके से इन सब की एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आपने वेन्यू टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, जैसे इसका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि वेन्यू फॉर द टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से भी हैं, अगर आप जोतोई से हैं तो आपकी 2 नंबर पोस्ट हैं, तो आपने 22 मार्च को चले जाना है आपने इस लोकेशन पर, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन सभी सेम है तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये अभी थर्ड एडवर्टाइजमेंट भी ओपन करूँ तो ये सारी वही चीज़ है, ठीक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, ला तादाद नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, ठीक है। ये हयातबाद, पिशावर, केपी के इस लोकेशन पर आपने चले जाना है इस तारीख पर, जो इन तहसील से हैं। टर्मिंग कंडीशन सबकी सेम है, मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट में आपको डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। नंबर फोर्थ पे जैसे हम आ जाते हैं तो हमारे पास ये है एडवर्टाइजमेंट, जब भी मैंने आपको बताया ये, जो नंबर फिफ्थ पे अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये वाली एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अगर इससे मैं जूम कर लूँ जी, ठीक है, आपने ये जो भी है इंटरमीडिएट पास है तो आप इन कैंडिडेट्स ने अपनी जो भी है फॉर टेस्ट वेन्यू के लिए आपने इस लोकेशन पर चले जाना, जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपने इंटरव्यू के लिए इस लोकेशन पर चले जाना, ठीक है। आपने मतलब एट द एंड में यही कहूँगा कि आपने सारे एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से रीड करके, अपनी तहसील को सिलेक्ट करके, जो भी आपने वेरीफाई करके, आपने उस तारीख पर चले जाना टेस्ट वगैरह देने के लिए। फिर क्या हमारे पास नंबर सिक्स पे आ रही है, तो जो एडवर्टाइजमेंट है इन्होंने मैं ऑलरेडी बता दिया है कि टर्म एंड कंडीशन पर हम आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना कि टेस्ट आपका किस तरीके का होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा, आप पैराग्राफ इधर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इन इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी टाइप इड विद इन द सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। कैंडिडेट इस मार्क फॉर द एरर फ्री टाइपिंग विद इन दिस सप्लीमेंट्री टाइम विद इन, ये जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा आप स्क्रीन पर आपने उसको लिखना होगा स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। ऑन स्क्रीन टाइमर इन हाईलाइटेड इन करेक्टेड वर्ड्स हेल्प टू इन कैंडिडेट्स रिगार्डिंग, मतलब ये अपने मिस्टेक्स वगैरह को अवॉइड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास IQ का आएगा, IQ में इस तरीके के आपके सवाल होंगे, व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8, इसमें इससे आगे कौन सा नंबर होगा, आई थिंक 13 होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, सही है, क्योंकि मैंने ना इसको आंसर नहीं देखा मैंने डायरेक्टली, क्योंकि IQ जितना आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सही है, ठीक है। मैंने जब शुरू वाले 2 नंबरों को मैंने माइंड में, जैसे मैं बढ़ता भी गया मैं माइंड में ही सम करता गया, 1 1 2 हो गया,
213 हो गया, 35 हो गया, और 5 और 8 13 मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज के आ जाए तो आप नेम ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द पाकिस्तान द पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब है हमारे पास, ठीक है। आप लिखिए जनरल नॉलेज वगैरह भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हर एक चीज़, ठीक है। फिर आ रहा है एरर चेकिंग के सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंट इन, आपको एरर वगैरह देख लेना, ओरिजिनल डेटा वगैरह इस टाइप के आपके पास आएंगे। फिर इंग्लिश के आएंगे एम सी क्यूज आपके पास इस तरीके के, मतलब एट दी एंड यही कहूँगा कि आपने सारी चीज़ों को जनरल नॉलेज, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द फोर्स का यूनिट क्या है, जोल है, न्यूट्रॉन है, जोल इन दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है मुझे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोल ही है, ठीक है। ये आपके पास सारे होंगे जनरल साइंस में से क्वेश्चंस इस तरीके के होंगे, इंग्लिश में से एरर चेकिंग वाले आपके ये सवाल होंगे, जनरल नॉलेज के इस तरीके के आपके पास सवाल होंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इनकी वेबसाइट को किस तरीके से विजिट करना है, और आपने टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है, वो भी हमने इस वेबसाइट में था तो वो भी हमने आपको बता दिया है। तो आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने कुछ सवाल जो आप पूछने हो तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं तो हम वहाँ भी आप सबके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। और अगर कोई आप सब हमारे लिए कोई रहनुमाई करना चाहते हैं तब भी मोस्ट वेलकम, आप हमारी रहनुमाई भी वहाँ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।